राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान महादेव के तांडव नृत्य का संपूर्ण विधान आएगा। आइए अब हम चातुर्मास का 22वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव जब क्रोध में होते हैं और जब खुश होते हैं, तब दोनों ही परिस्थितियों में तांडव नृत्य करने लगते हैं। भगवान महादेव जब क्रोध में तांडव नृत्य करते हैं तो देवता, ऋषि, मुनि, आकाश, पाताल, पृथ्वी, जन सभी तरफ विनाश का दृश्य पैदा हो जाता है। सभी उनके इस रूप से डर जाते हैं। एक बार माता सती अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई तो उनका वहां बहुत अपमान हुआ। इससे दुखी होकर माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उस वक्त महादेव जी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। तब उन्होंने तांडव नृत्य किया, जिसके चलते पूरी सृष्टि में प्रलय हो गया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण महादेव जी से मिलने कैलाश पर गए। उस समय महादेव जी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि रावण उनसे मिलने आया है। जब रावण ने महादेव जी को ध्यान मुद्रा में देखा तो रावण महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक पांव पर खड़े होकर तांडव नृत्य करने लगे। जब बहुत समय तक भी महादेव जी ध्यान मुद्रा से नहीं उठे तो रावण क्रोधित हो गया। उसने पूरे कैलाश को अपने हाथों पर उठाकर तांडव नृत्य करने लगा। तभी महादेव जी ध्यान मुद्रा से जागे। महादेव जी का ध्यान भंग हो गया तो महादेव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना पांव जोर से कैलाश पर रखा तो रावण का हाथ दब गया। तब रावण दर्द से कराहने लगा और उसका घमंड टूट गया। तब रावण भगवान को खुश करने के लिए शिव तांडव स्रोत गाने लगा। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना पांव कैलाश पर्वत से हटा लिया। एक अन्य कथा के अनुसार महादेव जी माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तांडव नृत्य करने लगे, जिसमें कोटि देवी देवता भी आए। तब पेजवन शूद्र कहने लगा कि हे गालव ऋषि, मुझे आपकी बातें बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है। यद्यपि आपको कहने में बड़ा परिश्रम हो रहा है और मेरे पुण्य कर्मों और भाग्य के प्रताप से आप मेरे घर पधारे हैं। आपके श्री मुख से भगवान महादेव की कथा रूपी अमृत का पान करते करते मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है, तथा भगवती गौरी की गुण भरी कथा भी मुझको अति प्रिय लग रही है। अब आप कृपया करके ये बतलाइए कि भगवान शंकर देवताओं के सहित किस प्रकार नृत्य करते रहे और चातुर्मास में कैसा और क्या व्रत किया जाता है, तथा पार्वती जी ने शंकर पर कौन सा अनुग्रह किया। हे भगवान, कृपा करके ये सारा वृतांत हमें बतलाइए। दयालु भगवान की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, आप प्रसन्नता पूर्वक सारा वृतांत सुनाइए। यह सुनकर गालव ऋषि अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पेजवन, तुम शूद्र घर में जन्म लेकर भी निष्पाप हो। हजारों यज्ञों का पवित्र फल देने वाला इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम सावधान पूर्वक सुनो। गालव ऋषि आगे बोले कि एक समय भगवान शंकर ने चातुर्मास आने पर ब्रह्मचारी व्रत धारण कर बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आह्वान किया और देवता मंदराचल पर्वत पर आ गए, तथा भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। उनको आया हुआ देखकर भगवान शंकर उनका स्वागत करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं, मैं इस समय पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अभिनय कर रहा हूँ, तो आप इंद्र सहित सभी देवता मेरे इस कार्य में मदद करें। सभी देवताओं ने महादेव जी से कहा कि ऐसा ही होगा। उसके बाद सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर अपने अपने स्थान को चले गए। फिर आषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी को शंकर भगवान ने भवानी को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया, तो मंदराचल पर्वत पर सभी ऋषि महर्षि आ गए। उनमें नारद, देवल, व्यास, शुक्र, दैम्पायन, अंगिरा, मरीचि, कर्दम,
प्रजापति कश्यप गौतम अत्रि वशिष्ठ भृंगु उत्तंग परशुराम अगस्त्य पुलोमा अलस्य पुलह प्रचेता क्रतु और भी अनेक ऋषि सिद्ध यज्ञ पिशाच चारणी सहित चारण आदित्य गुहाक साध्य वसु अश्विनी कुमार इंद्र आदि देवता ब्रह्मा विष्णु आदि भगवान शंकर का तांडव नृत्य देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। फिर नंदी आदि गणों ने रत्न भूषण वस्त्र आदि मुनि आदि को क्रम पूर्वक दिए। उस समय हजारों बाजे बज रहे थे, चारों तरफ जय ध्वनि होने लगी। भवानी भी प्रसन्न होकर महादेव जी को देखने लगी। भवानी अपनी चारों सखियां जया विजया सहित सभी से अत्यधिक शोभायमान हो रही थी, जिनके दर्शन मात्र से सभी सांसारिक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उस पार्वती के शरीर की शोभा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता था। इधर शंकर भगवान भी शरीर पर धारण किए कंकारों और भूत पिशाचर आदि से अति शोभायमान हो रहे थे। पिशाचर विद्यानंद आदि गंधर्व नाम मुनीश्वर आदि मित्र के समान खड़े थे। सबसे पहले नंदीगण आदि उनके पुत्र जो बिना शरीर के शंकर भगवान से उत्पन्न हुए थे, उनकी छह छह रागनियों ने शंकर के जरा से इशारे से शरीर धारण कर लिया। गालव ऋषि कहने लगे कि हे शूद्र, उन लोगों के नाम मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री राग इनका पहला पुत्र जो भगवान के इशारे पर उनका उत्तम गण बन गया। दूसरा राग वसंत जो भगवान की कमर से पैदा हुआ। तीसरा पंचम राग जो संसार को शोभित करने वाला था, महेश्वर के हृदय से उत्पन्न हुआ था। नाग से भैरव राग उत्पन्न हुआ, इसमें मणिपूरक नाम का चक्र 50 वर्ण महेश्वर से पैदा हुए। 12 राशि नक्षत्र संसार के बीच सहित वे सब अपनी अपनी जगह उत्पन्न हुए। क्षण मात्र में यह बढ़ गए और फिर इनमें वीर्य संचार होने से छठा राग नट नारायण हुआ, महेश का प्रिय पुत्र नील राग हुआ। ये राग स्त्रियों सहित शरीर धारण कर प्रकट हुए। इनकी स्त्रियां शंकर के शिरोभाग से उत्पन्न हुई। उन रागों की 36 भारियाओं को भी तुम श्रवण करो, गोरी कोला हरी धीरा द्राविणी माल कोशिकी देव गंधारी, ये छह भारियां श्री राग की हुई। वसंत राग की गंडमिरी देव शाखा रामगिरी ये तीन भारियाएं थी, और पंचम राग की त्रिगुणा स्तंभ तीर्था प्राहरी कुकुम्मा साम वेराटी साम वेरी ये छह भारियां हुई। भैरव राग की भैरवी गुजरी भाषा वेला मुली कर्नाटकी रक्त हंसा ये छह भारियां थी। मेघ राग की बंगाली मधुरा कामोदा चक्षी नारका देवगिरी देवाली ये छह भारियां थी। नट नारायण राग की त्रोट की मोट की नवादुवी मल्हारी सिंधु मल्हारी ये पांच भारियां थी। ये सब भारियाएं शंकर भगवान को नमस्कार कर अपनी अपनी मूर्ति बनाकर वाहनों सहित तथापतियों के साथ वहां उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी मृदंग बजाने लगे और शंकर भगवान को प्रसन्न करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मृदंग को चतुराक्षर बांध से कस लिया। केशव ने ताल क्रिया करके महेश को दिखलाई। वायु ने वाद्य को और सुरीला बना दिया। इंद्र ने सुंदर स्वर वापी से बांसुरी बजाई। अग्निदेव ने शरपंख बजाया। अश्विनी कुमारों ने नगारा बजाया। सूर्य चंद्रमा ने उपांग बाजा बजाया। हजारों गणों ने घंटे बजाए। पार्वती सहित सभी देवताओं और मुनीश्वरों सहित अपने अपने आसनों पर आकर बैठ गए और कौतुक देखने लगे। सर्पों सहित वसुओं ने सींगों के बाजे बजाए। सिद्ध साध्यों ने भेर बजाना शुरू कर दिया तथा दूसरे देवताओं ने और भी अनेक बाजे बजाए। साध्यों ने झांझ गोमुख उत्सव में बजाए। गंधर्वों ने सितार बजाया जिसके मीठे स्वर थे। सिद्धों ने सोने के बने सिंगों को बजाया। उस समय भगवान शंकर ने अपना महानट का रूप धारण कर लिया। पांचों सिरों पर मुकुट पहन लिए। गले में सर्प शोभित था। सब जटाएं भकेली। शरीर पर भस्मी रमा ली। दसों भुजाओं पर कंकड़ बांध लिए। गले में हार पहन लिया। उस समय भगवान शंकर ने उस पर्वत पर तीन लोक व्यापी करोड़ों सर्पों के प्रकाश जैसा उज्जवल रूप बनाकर नाचना शुरू कर दिया। वीणा के स्वरों के साथ कोसी के बाजों का गहरा शब्द बांसुरी तथा तोमर आदि चार प्रकार के बाजों की गहरी आवाज फैल गई। ताल नगारे तथा हथेलियां बजने लगी।
तानों ने मानो अपना असली रूप धारण कर लिया। उस समय सुंदर कंठ वालों की मीठी गहरी और गंभीर ध्वनि हो रही थी। विश्वावसु, नारद, तुम्बुर आदि गंधर्व पति मीठे स्वर से गा रहे थे। तीन ग्राम सातों स्वरों वाला बड़ा दिव्य और शुद्ध गायन हो रहा था। भगवान शंकर के पैरों की धमक से सात पर्वत गूंज रहे थे। उनके घूमने से मानो नगर, पर्वत, वन समेत सारी पृथ्वी घूम रही थी। उस समय 84 हर्टकों को भगवान शंकर ने रचा। उनके मस्तक से सून वंदागण अत्यंत शूर हृदय से गंधर्व गवैये पैदा हो गए। ये शंकर के सभी गवैये फुकार से ऐसा गा रहे थे तथा देखने वाले देवताओं और ऋषियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। देवताओं ने आकाश से फूलों की बरसात करी। इस प्रकार चातुर्मास में जब तांडव नृत्य आरंभ होता था तो पृथ्वी आकाश प्रकाशवान हो जाती थी। कमलों से भरे सरोवर रूपी सुख कमल वाली तथा फल वृक्षों पक्षियों से कुछ कुछ प्रीत मुख की शोभा वाली पार्वती देवी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को अति प्रसन्न हुई तथा व्रत के समाप्त होने पर शंकर भी बड़े शोभायमान हुए। तब आनंद से खिले हुए नेत्रों से देखते हुए देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली कि अब आपका लिंग ब्राह्मण से शापित होकर नर्मदा के जल में उत्पन्न होकर संसार में पूजा जाएगा। ऐसा कह तथा प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी की स्तुति करने लगी। पार्वती जी कहने लगी कि हे देव, देवों के शिरोमणि, हे महादेव जी, आपको नमस्कार है। आप संसार को धारण करने वाले हैं। अजुपाद ब्रह्म गर्भ, आपको नमस्कार है। हे नील ग्रीव, श्वेत भस्म धारी, पांच सुखों वाले, लिंगाकार तथा साकार रूप वाले, हजारों नेत्र वाले, व्याप्त चर्म धारी, अंधकासुर को मोक्ष देने वाले पशुपति भगवान, आपको नमस्कार है। अग्निमुख सर्वप्रथम भव रूप निराकार ब्रह्म रूप मूर्तिवान उस रूप तथा शिव उग्र रूप हर भव रूप कृष्ण रूप त्रिपुरांतक अघोर रूप हे शंकर, आपको नमस्कार है। ईशान पंचमुख खप्पर धारी त्रिनेत्र धारी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले मृग व्याघ्र रूप धर्म रूप कालचक्र चक्रधारी महापुरुषों से पूज्य बुध गणों के स्वामी भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। गंगा को धारण करने वाले, पवित्र करने वाले, भवानी को प्रसन्न करने वाले, संसार को प्रसन्न करने वाले ब्रह्म रूप शंकर, आपको नमस्कार है। सभी सतो गुणों से भी परे सूक्ष्म रूप विराट रूप महान स्वरूप चिता भस्मधारी वैराग्य रूप कामदेव को भस्म करने वाले हे देव, मैंने जो कुछ अप्रिय वचन कहे हों उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे विशुपते, मैं आपको अपना मस्तक झुकाती हूँ, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए, बस यही मैंने आपका प्रायश्चित कर दिया। हे पाप रहित शंकर, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करना। तब श्री महादेव जी पार्वती जी के वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और चातुर्मास व्रत समाप्ति की प्रसन्नता से ऊर्ण हुए। पार्वती जी से कहने लगे कि जो कोई भी प्राणी तुमसे कही गई मेरी स्तुति को पढ़ेगा सुनेगा उसका कभी चित्त भंग नहीं होगा और वह तीन जन्म तक धनवान निरोगी रहकर सारे संसार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होगा। यह कहकर शिव जी ने पार्वती जी को अपने वामांग पर बैठा लिया। पार्वती जी ने वैष्णव रूप वाम भाग को प्राप्त किया, अर्थात जैसे लक्ष्मी जी विष्णु के वामांग पर विराजती है वैसे ही महेश के वामांग पर विराजित हुई। आधे कंठ में विष धारण किए, खप्पर हाथ में लिए, रुंडों की माला गले में धारण किए हुए, करोड़ों ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, सिर पर जटा धारण किए, चंद्रमा को धारण करने वाले, सर्वों के कंकड़ों से शोभित बाघ चर्मधारी कामदेव सहित बैल पर बैठे सब और गण सेवी ऐसे भगवान शंकर रूप को देख कर ब्रह्मा आदि सब देवता बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप सर्व व्यापक सब जीवों के माता पिता के समान रक्षक सारे संसार को
को उत्पन्न करने वाले, सारे ब्रह्मांड को वश में करने वाले करोड़ों ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न होते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें, पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, सब ब्रह्मा आदि देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपका ऐश्वर्य अनंत और अमर है, आपका कोई वास नहीं। आप सृष्टि के संहार के लिए अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं। फिर सब देव माता पार्वती की स्तुति करने लगे कि हे भवानी, तुम अत्यंत भव रूप और उनको पवित्र करने वाली, सबका कल्याण को फल देने वाली हो। तपस्या का फल ही है, तुम्हारी ही कृपा से हमको ये अबोध ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो संसार में व्याप्त भीतर देखा और सुना जाता है वह सब तुम्हारा वैभव है। तुम ही तीनों लोकों में व्याप्त हो। हे जगदम्बे, हे जगत माता, जगत में वंदन, हे देवी, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। यह कहकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। गालव ऋषि पेजवन से कहने लगे कि हे पेजवन, जो भी मनुष्य इस संसार सागर से पार होने के जहाज रूपी इस दिव्य चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर, मानसिक पापों को धोकर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाएगा। आइए चातुर्मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको 4 रोटी बनाकर के देती हूँ। आप सरयू नदी के घाट पर जाना, वहाँ भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी कपड़े में बांध कर के दे दी। ब्राह्मण पूरे रास्ते याद करता करता गया, लेकिन जैसे ही सरयू नदी के किनारे पर पहुंचा वह भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि हे भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बोला है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण बोले कि हे राम, इस ब्राह्मण की बुद्धि मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी अन्य कोई हुआ है। तब राम भगवान बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, तो तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। फिर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों की थैली दी। ब्राह्मण सोने की अशर्फियों की थैली लेकर खुशी खुशी घर की ओर आने लगा, तो बीच रास्ते में जंगल में चोरों ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए, तो ब्राह्मण ने कहा कि मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन जंगल में चोरों ने मुझसे छीन लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से सरयू नदी पर गया और वहां फिर से उसने यही कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे राम, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा कि हे राम, क्या आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई और हुआ है? इस ब्राह्मण की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर और भी खुश हुआ। वह सोने की ईंट लेकर घर आ रहा था। आते आते रात्रि हो गई। फिर से चोरों ने उसे वन में लूट लिया। फिर से ब्राह्मण दुखी मन से घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या लाए। ब्राह्मण ने पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी को शक हुआ। ब्राह्मणी ने पूछा कि आप वहां जाकर क्या बोलते थे, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं वहां जाकर बोलता था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो ब्राह्मणी ने अपना माथा पकड़ लिया और वह बोली कि हे स्वामी, भला राम से बड़ा भी दुनिया में कोई और हुआ है? हे देव, अब आप अच्छे से सुनिए, जो मैं बोलती हूँ उसे अच्छे से रट लीजिए। आप वहाँ जाकर बोलना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मणी पूरी रात ब्राह्मण को यह रटाती रही। ब्राह्मण भी पूरी रात इसको अच्छे से याद करता रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से
सरयू नदी के तट पर पहुंचा। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे भैया राम, आज इस ब्राह्मण को अक्ल आ गई है, आज इसने आपको बड़ा बोला है, तो अब आपको ही इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान राम बोले कि हे लक्ष्मण, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है। तब भगवान राम ने ब्राह्मण की झोली में सरयू नदी के पास की मिट्टी उठाकर दो मुट्ठी भर कर ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। ब्राह्मण मिट्टी को पाकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी के ऊपर नाराज होता रहा, पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को भला बुरा कहता रहा। उस दिन रास्ते में उसे कोई चोर भी नहीं मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आप क्या लेकर आए। ब्राह्मण क्रोधित होते हुए बोला कि तेरे कहने से राम को बड़ा बोला तो मुझे दो मुट्ठी मिट्टी मिली है। तो ब्राह्मणी बोली कि रोज तो आप खाली हाथ ही घर आ रहे थे, आज मिट्टी तो लाए, इस मिट्टी से मैं घर आंगन लीपूंगी, चूल्हा को लीपूंगी और कुछ मिट्टी तुलसी क्यारे में डाल दूंगी। इस तरह ब्राह्मणी ने उस मिट्टी से घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी को तुलसी क्यारे में डाल दिया। सुबह जब दोनों ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा दो कमरों का मकान सुंदर महल में बदल चुका था। तुलसी क्यारे में हीरे मोती लड़जर हो रहे थे, पूरे घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। भगवान राम का हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो गई। हे श्री राम जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की गरीबी दूर करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।